बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.10 को कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है ये पेज 111 से शुरू होती है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जो कि पेज 112 पे है। क्वेश्चन है 4x4 प्लस 12x3 प्लस 25x² प्लस 24x प्लस 16। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने इसका अंडर रूट जो है वो डिवीजन से लेना है, तो इसको लिख लेते हैं इस तरह। इधर ये पहले ही तरतीब में दिया हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में। फोर एक्स फोर के लिए 2x2 आएगा, इनको आपस में ज़रब देंगे तो 4x4 आ जाएगा। अब आपने इनको बाकियों को नीचे उतार लिया, अब 2x2 को डबल करके इधर ले आए, 4x2 हो जाएगा। अब 4x2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 12x3 आएगा, जवाब है 3x से। तो इस 3x को इधर भी लिख लें। अब 4x2 को 3x से ज़रब दी तो 12x3 हो गया, और बाद में 3x को 3x से ज़रब दी तो 9x2। ये 16x2 आ गया, ये 24x प्लस 16। अब इस सारे को डबल करके इधर ले आए, 4x2 प्लस 6x। अब 4x² को किससे ज़रब दूंगा कि 16x² आएगा, जवाब है 4 से। तो 4 इधर भी लिखा। अब 4x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16x², 6x को 4 से किया तो 24x, 4 को 4 से किया तो 16। ये सारे ख़त्म हो गए, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 4। और इसके साथ हम प्लस माइनस का साइन ऐसे लगा देते हैं। जवाब मैं चेक कर लूं, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में ये है कि ए 4 प्लस 4a 3b प्लस 18a² b² प्लस 28ab क्यूब प्लस 49b4। आप ये पहले हम लेट्स से हम एक से तरतीब लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर तरतीब नज़ुली, तो ये पहले ही है इस तरतीब में, तो इसको आप लिखना शुरू करता। तो ए फोर का ए टू होगा, ए टू तो ए फोर आ गया, ये नीचे ले आए 4a 3b प्लस 18a² b² प्लस 28ab³ प्लस 49b4। ए टू को डबल किया तो 2a² हो गया। अब 2a² को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 4a³ आएगा, तो जवाब है प्लस 2 से करने से 4 आ गया। ए टू है ए थ्री है, तो इसको ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बी है तो बी से भी, तो प्लस 2ab को इधर भी लिख लिया। अब इस पूरी चीज़ को इससे ज़रब करना है, ज़रब देना है, तो ये 4a³ पहले आ गया। उसके बाद 2ab को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो 4a² b 4a² b² सॉरी, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 14a² b² प्लस 28ab³ प्लस 49b4। इसको डबल किया, यहाँ पे लिख लिया 2a² प्लस 4ab। 2a² को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 14a² b² आएगा, जवाब है 7
बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे भी 7b स्क्वायर लिख दिया, तो ये 14 हो गया। अब इस पूरी चीज़ को 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद 4ab को इससे मल्टीप्लाई किया तो 28ab क्यूब, और उसके बाद 7b स्क्वायर को 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 49b4। ये सारा कैंसिल हो गया तो आपका जवाब आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b स्क्वायर। मैं जवाब चेक कर लूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b स्क्वायर, और बिल्कुल ठीक है, और साथ प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 9a स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर माइनस 3a ओवर 2b माइनस 7 ओवर 4 प्लस 2b ओवर 3a प्लस 4b स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। अब ए के हिसाब से तरतीब लगाएं तो देखें, ए स्क्वायर है, ए है, ए रेज टू पावर 0 है, फिर नीचे ए आ गया और फिर उसके बाद ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो तरतीब बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरतीब को लेके हम चलते हैं आगे। ये 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर ये हो जाएगा 3/2, 9 ओवर 4 का 3/2 हो गया a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर के लिए a ओवर b, ठीक है, 3a ओवर 2b बेसिकली ये है 3a ओवर 2b, इधर भी 3a ओवर 2b आ जाएगा, तो ये 9a स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर हो गया, ये ख़त्म हो गया, बाकी को पूरा नीचे उतार लिया। अब इसको डबल किया 3a ओवर 2b, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3a ओवर b, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि नीचे 2 है, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ डबल करने के लिए, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3a ओवर b बच जाएगा। अब 3a ओवर b को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस 3a ओवर 2b आएगा, जवाब है एक तो माइनस का साइन आएगा इस माइनस के लिए, ये 3a 3a बिल्कुल ठीक है, ये 2b है, ये सिर्फ b है, तो मुझे नीचे b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 ओवर b से। अब माइनस 1 और b को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a ओवर, सॉरी मुझे 2 लिखना था इधर, माइनस 3a ओवर 2b हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 1 बाई 2 को आपने इधर भी लिख लिया। अब इस पूरी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो माइनस 3a ओवर 2b एक ये आएगा, और माइनस 1 बाई 2 को माइनस 1 बाई 2 से करेंगे तो प्लस 1 बाई 4। अब माइनस 7 बाई 4 और माइनस 1 बाई 4 ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2, ये देखें इधर 4 आ गया, माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 बाई 4, बल्कि ये तो जवाब जनाब वाला माइनस 2 आता, मैंने 1 बाई 2 गलत लिखा, अच्छा मैंने चेक कर लिया, माइनस 2 प्लस 2b ओवर 3a प्लस 4b स्क्वायर ओवर 9a स्क्वायर। अब इसको डबल करके नीचे उतारेंगे तो उसी तरह 3a ओवर b आएगा, माइनस 1 बाई 2 को डबल करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब 3a ओवर b को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि माइनस 2 आएगा, जवाब है माइनस, ठीक है, 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 लाने के लिए, और इन सब को उल्टा करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारा कुछ कैंसिल हो जाए, तो 2b ओवर 3a, ये देखें 3a ओवर b है ना, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ
माइनस टू बी ओवर थ्री ए से, कि बी बी से थ्री ए, थ्री ए से जवाब आपका माइनस टू है, ठीक है, माइनस टू कन्फर्म कर लिया। अब माइनस टू बी ओवर थ्री ए, इसको डबल करूँगा तो माइनस फोर बी ओवर थ्री ए हो जाएगा। अब बहरहाल इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू पहले आ जाएगा, बाद में माइनस वन को इससे करूँगा तो प्लस टू बी ओवर थ्री ए। अब ये माइनस टू बी ओवर थ्री और ये माइनस फोर बी ओवर थ्री है, तो माइनस माइनस प्लस, आपके पास नीचे नाइन ए स्क्वायर आ जाता है, ऊपर एट बी स्क्वायर आता, जबकि यहाँ मैंने फोर लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने यहाँ ये कॉपी करने में गलती की है और यहाँ फिर मेरी यहाँ पे कोई गलती है, मैं इसको चेक करता हूँ अभी। जी मुझे गलती पता चल गई, यहाँ पे इसको डबल करके नहीं लाना, मैंने गलती कर दी डबल, तो जब अगले स्टेप में आते हैं फिर इनको डबल करते हैं, यहाँ टू आना चाहिए था। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अपनी गलती को ऐसे करके, तो अब टू बी को टू बी से करेंगे तो फोर बी हो जाएगा। अब ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जवाब आ गया थ्री ए ओवर टू बी माइनस वन बाय टू माइनस टू बी ओवर थ्री ए, ये वाला जवाब है आपका जो इधर था, चेक कर लिया जाए। थोड़ी सी गलती रहेगी कि यहाँ मुझे ऐसे प्लस माइनस का साइन लगाना था, बाकी जवाब ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, वो है ए माइनस वन ओवर ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए प्लस वन ओवर ए का ए प्लस एट, मैं चेक कर लूँ, ठीक है। चूँकि हमने बाय डिवीजन करना तो इसको हमें खोलना पड़ेगा, अब ये हम ए के हिसाब से तरतीब से लगाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस फोर ए, अब ए की पावर टू थी, ए की पावर वन, ए की पावर ज़ीरो यानी कि कांस्टेंट आएगा, तो प्लस सिक्स हो गया माइनस टू प्लस एट, उसके बाद ये माइनस फोर ओवर ए वाला आएगा और उसके बाद वन ओवर ए स्क्वायर का आएगा। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, जगह ज़रा ज़्यादा चाहिए, ए स्क्वायर सॉरी माइनस फोर ए प्लस सिक्स माइनस फोर ओवर ए प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, तो ये ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डबल किया टू ए आ गया, इन सब को नीचे उतार लिया, अब 2a को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस फोर आएगा, जवाब है माइनस टू से, माइनस टू इधर भी लिख लिया, माइनस टू को माइनस टू से किया तो प्लस फोर आ गया, तो ये टू माइनस फोर ओवर a प्लस वन ओवर a स्क्वायर। अब इन सब को डबल करके इधर लिखा था 2a माइनस फोर, अब 2a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जवाब जो है वो टू आ जाए, जवाब है वन ओवर ए से। टू ए को वन ओवर ए से किया टू आ गया, माइनस फोर को वन ओवर ए से किया तो माइनस फोर ओवर ए आ गया, और प्लस वन ओवर ए को प्लस वन ओवर ए से किया तो वन ओवर ए स्क्वायर आ गया, तो सारे कैंसिल हो गए, आपका जवाब आ गया प्लस माइनस ए माइनस टू प्लस वन ओवर ए। बिल्कुल ठीक है जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 15 है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर।
मैं डबल चेक कर रहा हूँ, ठीक लिखा है मैंने। तो ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो ये एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर प्लस टू माइनस फोर इंटू, ये पहले भी अंदर ही मैं स्क्वायर खोलता क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर। तो ये आ जाएगा एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर प्लस टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट माइनस फोर। तो एक्स फोर आएगा पहले, फिर ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद कांस्टेंट आएंगे, ये प्लस टू है ये प्लस एट है, टेन हो गया, टेन माइनस फोर सिक्स हो गया, उसके बाद माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर और एंड में वन ओवर एक्स फोर। तरतीब इस तरह काम हो रही है ना एक्स की जो पावर है। अब जनाब इसको आप इधर लिख लें अंदर, एक्स फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स फोर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स फोर हो गया, इसको डबल करके इधर ले आए टू एक्स स्क्वायर हो गया, इन सबको नीचे उतारा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स फोर। अब टू एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा, जवाब है माइनस टू से, तो माइनस टू इधर भी आ गया, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर, तो टू माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स फोर। अब इस सब को डबल करके इधर ले आए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और टू एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा अगर टू आएगा, जवाब है वन ओवर एक्स स्क्वायर से। तो टू एक्स स्क्वायर को वन ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया टू आ गया, माइनस फोर को वन ओवर एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, वन ओवर एक्स स्क्वायर को वन ओवर एक्स स्क्वायर से किया तो वन ओवर एक्स फोर, सारी की सारी कैंसिल हो गई, जवाब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जवाब हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16, सिक्सटीन में है ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, ठीक है, ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए का स्क्वायर और माइनस फोर इंटू ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, बिल्कुल ठीक है जवाब, सॉरी जवाब नहीं है, क्वेश्चन ठीक लिखा है मैंने, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर ए ओवर बी माइनस माइनस प्लस फोर बी ओवर ए। अब आप ए के हिसाब से तरतीब से लगा लें, तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ओवर बी, अब कांस्टेंट आ जाएगा टू, उसके बाद नीचे का आ जाएगा फोर बी ओवर ए, नीचे का ए के और उसके बाद एंड में बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इधर कर लेते हैं से ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ओवर बी प्लस टू प्लस फोर बी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ए ओवर बी तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया, माइनस फोर ए ओवर बी प्लस टू प्लस फोर बी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ए ओवर बी को डबल किया तो टू ए ओवर बी हो गया, टू ए ओवर बी को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस फोर ए ओवर बी होगा, जवाब है माइनस टू से, तो टू ए ओवर बी को माइनस टू से किया तो माइनस फोर ए ओवर बी माइनस टू को माइनस टू से किया तो प्लस फोर आ गया, माइनस टू इधर आ गया प्लस फोर बी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब इस पूरी को डबल करके इधर ले आए टू ए ओवर बी माइनस फोर,
टू ए और बी को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस आएगा, माइनस टू आएगा, जवाब है माइनस बी ओवर ए से, तो माइनस टू ये हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए, इधर भी मुझे लिखना है, माइनस फोर को इससे किया तो माइनस माइनस प्लस फोर बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए, जवाब है बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सब ख़त्म हो गए, जवाब आपका आ गया प्लस माइनस ए ओवर बी माइनस टू माइनस बी ओवर ए। 16 का आंसर चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टी फोर प्लस वन ओवर टी फोर प्लस फोर इंटू टी प्लस वन ओवर टी इंटू टी माइनस वन ओवर टी प्लस टू, टी फोर प्लस वन ओवर टी फोर प्लस फोर इंटू टी प्लस वन ओवर टी इंटू टी माइनस वन ओवर टी प्लस टू। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो ये टी फोर प्लस वन ओवर टी फोर आ गया फोर, अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो एक तरह से ये टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू। ये टी फोर प्लस वन ओवर टी फोर प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर प्लस टू, तरतीब में लिख लें टी फोर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी फोर। इसको यहाँ लिखते हैं टी फोर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी फोर, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी फोर, इसको नीचे उतार लिया, ये टू है सॉरी, माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी फोर, इसको डबल किया टू टी स्क्वायर आ गया। अब टू टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि फोर टी स्क्वायर आएगा, जवाब है प्लस टू से, तो फोर टी स्क्वायर आ गया, टू को टू से किया तो फोर आ गया, ये कैंसिल हो गया, जवाब माइनस टू इधर आ गया, माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी फोर। अब इनको डबल करके यहाँ ले आए टू टी स्क्वायर प्लस फोर, टू टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस टू आएगा, जवाब है माइनस वन ओवर टी स्क्वायर से, माइनस वन ओवर टी स्क्वायर, तो ये माइनस टू हो गया, ये फोर को इससे किया तो माइनस फोर ओवर टी स्क्वायर और ये बाद में वन ओवर टी फोर, जवाब आ गया प्लस माइनस टी स्क्वायर प्लस टू माइनस वन ओवर टी स्क्वायर। चेक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब 18, 19, 20 उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहरहाल बेसिक चीज़ यही है। क्वेश्चन नंबर 18 उसमें कहते हैं कि एक्स फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओवर एक्स फोर, इसमें एम की किस क्या वैल्यू होगी कि जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कोई मसला नहीं, इसको करते हैं तरतीब पहले से ही ठीक दी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स फोर, अब ये डबल हो के नीचे आ गया टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल कर दूँ, ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओवर एक्स फोर। अब मैं टू एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि फोर एक्स स्क्वायर आएगा, जवाब है प्लस टू से, तो ये फोर एक्स स्क्वायर हो गया और टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये एम माइनस फोर हो गया, हमें एम की कीमत नहीं मालूम, प्लस एट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओवर एक्स फोर, इसको डबल करके लिखा नीचे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
अब देखें, आपके पास इसकी कीमत मालूम नहीं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब अगर मुझे इसकी कीमत अगर मालूम नहीं, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि ये आए? मैं कह सकता हूँ जी कि इसे मैं एम माइनस फोर इंटू टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी। लेकिन ये मेरा मसला हल नहीं करती। मेरा मसला ये चीज़ शायद हल कर सकती है। आपने अभी तक कितने जजर के सवाल किए, उसमें क्या होता है कि एंड में जो ये चीज़ आती है वो किस तरह आती है कि एंड में यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको आप यहाँ वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि एक ही चीज़ होती है। इस यहाँ जो लिखा होता है, यहाँ जो लिखा होता है, एक ही चीज़ होती है ना, यानी कि एक तरह से उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है। समझ आई बात कि यहाँ पे वही चीज़ लिखी होती है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी होती है। जैसे आप पिछले सवाल देख लें, ये वन ओवर टी माइनस वन ओवर टी स्क्वायर था, माइनस वन ओवर टी स्क्वायर था, इनको मल्टीप्लाई करके हमने ये लिखा था ना इधर। तो इसी तरह अगर यहाँ जवाब प्लस आ रहा है तो यहाँ पे पॉसिबली यहाँ प्लस वाली रकम होगी या माइनस वाली होगी, ठीक है, और वही रकम इधर भी लिखी होगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो अंडर रूट है वो यहाँ लिखा होगा। समझाई बात की कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि एक ही चीज़ होती है, तो ये आता है, यानी कि ये जो होता है वो प्रोडक्ट होता है इसका और इसका। अब चूंकि ये दोनों एक है, इसका मतलब ये कि ये जो होता है ये स्क्वायर होता है इसका और इसका या इसका, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट है इसका। तो इसका जो अंडर रूट होगा वो क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, टू ओवर एक्स स्क्वायर। अब मैं प्लस चूज़ करूँ कि माइनस चूज़ करूँ, इसका फ़ैसला इससे चीज़ से होगा कि देखें यहाँ पे भी मुझे प्लस या माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर लिखना है ना। अगर यहाँ मैं माइनस वाला ले लेता हूँ तो माइनस को जब मैं इस रकम से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा तो माइनस एट ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे प्लस चाहिए ताकि ये ख़त्म हो जाए। लिहाजा मुझे यहाँ प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर, तो प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब मैं टू एक्स स्क्वायर, अब मुझे जारी बात है मल्टीप्लाई तो इसको इससे भी करना है ना, इससे। तो टू एक्स स्क्वायर को टू ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आया मेरा? फोर, ठीक है, हाँ फोर आया, ठीक है ना। टू टू इधर फोर और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। इधर फोर आ गया, फोर को इससे किया तो ये एट ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये फोर ओवर एक्स फोर, ये ख़त्म हो गए। अब इधर भी ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि एम माइनस फोर, इसका साइन चेंज किया, माइनस फोर ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एम है एट के, ठीक है, क्योंकि एम माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एट के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में एम एट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, उसमें कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, एक्स फोर प्लस एल एक्स थ्री प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 12x+9, कि एल और एम की वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है, जिसके लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वही तरीका है, उसी तरह करते हैं दोबारा से, एक्स फोर प्लस एल एक्स थ्री प्लस एम एक्स स्क्वायर, तरतीब पहले से ही ठीक है। एक्स फोर किस तरह आएगा? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे। एल एक्स थ्री प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 12x+9, इसको डबल किया तो 2x² आ गया। आप देखें, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसको मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसने ना ज़ीरो हो जाना है, इस चीज़ ने। आगे वाले शायद अभी ना हो, मे बी अगले स्टेप में हो, लेकिन इसने ज़ीरो हो जाना है। तो इसको ज़ीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? ये 2x² है, ये एल एक्स क्यूब है, ठीक है, यानी कि कम अज़ कम पॉजिटिव साइन होगा और एक एक्स तो आएगा ही आएगा। अब जहाँ तक एल का ताल्लुक है ना, आप ठीक है मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इस एक्स के साथ अगर आप एल ओवर टू लगा दें तो ये
एल एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एल ओवर टू को अगर मैं एक्स से मल्टी एल ओवर टू एक्स को, यानी कि यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एल ओवर टू लगा दूँ तो एल ओवर टू एक्स को इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो एल एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन फिर इस तरह हमें एल की कीमत नहीं कभी मालूम हो सकेगी, लिहाजा हमें ये तो पता है कि यहाँ पे एक्स होगा, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्स के साथ क्या आएगा। इसके लिए ना हमें थोड़ा सा ज़रा आगे जाके सोचना पड़ेगा अगले स्टेप्स को। गौर से सुने कि देखें, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो एंड में जो नाइन है इसका मतलब ये कि यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में एंड में थ्री आएगा, जब यहाँ पे थ्री आएगा तो अगले स्टेप का यहाँ पे भी थ्री आया होगा। मैं बल्कि इसे ग्रीन कर देता हूँ ताकि अगले स्टेप के ना आपको याद रहे, इधर भी थ्री आया होगा। अच्छा, यहाँ पे थ्री आया होगा तो अगले स्टेप में जब यहाँ पे नाइन लिखा होगा और 12x भी इसी तरह होगा, प्लस यहाँ पे इधर से कुछ आया होगा, मुझे भी पता नहीं वो क्या है, ठीक है। अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इन्होंने ख़त्म होना है। अब थ्री को थ्री से करूँगा, नाइन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 12x है उसने भी कैंसिल होना, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है और एक्स वेरिएबल है। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब ये वाला इसने भी कैंसिल होना है ना, तो इसने जो कैंसिल होना है वो कैसे कैंसिल होना है कि यहाँ पे एक रकम लिखी होगी उसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रकम लिखी होगी, गौर कीजिएगा, वो कहाँ से आएगी, वो इधर वाली रकम का डबल होगा, ठीक है। तो इधर वाली रकम का डबल होगा तो तब इससे कैंसिल होगी ना, ख़त्म। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि ये रकम क्या है तो मैं 12x को थ्री से डिवाइड कर दूँगा। जब मैं इसे थ्री से डिवाइड करता हूँ तो जवाब आता है 4x। तो इसका मतलब है कि 4x को थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x आएगा ना, और ये रकम जो थी इधर ये डबल थी किसका, यहाँ जो रकम थी। तो 4x से आधा क्या होगा, 2x। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। ये लाने के लिए मुझे इतना आगे जाके सोचना पड़ा। अब 2x है तो 2x को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो आता है 4x³, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा LX³ माइनस 4X³। अब 2x, सॉरी, तो अब 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आया 4X², तो यहाँ पे आ गया M माइनस 4X², ठीक है। आप देखें LX³ माइनस 4X³ ये 0 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ऐसे करके। तो LX³ माइनस 4X³ शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि एल माइनस 4 × x³ शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब एल माइनस 4 x³ ओवर x³ इज इक्वल टू 0/x³, तो ये यहाँ से कैंसिल होगी। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय सॉरी 0 / एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि एल माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एल इज इक्वल टू 4। आपके पास एक जवाब आ गया, ठीक है। लिहाजा ये आपका ये कहानी ख़त्म होगी। अब ये आ गया ये वाला एम माइनस 4 × x². अच्छा, अब इस स्टेप के लिए मुझे इसका डबल करके लिखना है, तो 2x², इसका डबल मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ साथ, ठीक है। अब इस स्टेप में ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है ना, ये चीज़ पहली है। अब 2x² को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आएगा ना, 6x². अब 3 को 4x से किया तो 12x आ गया, तो और बाद में 3 को 3 से किया 9 आ गया, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। इसके कैंसिल होने के लिए क्या होना चाहिए कि m माइनस 4x² माइनस 6x² शुड बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या हुआ कि m माइनस 4 माइनस 6
इनटू एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। आज जिस तरह यहाँ पे एक्स क्यूब को ख़त्म किया था उस तरह मैं नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, इधर भी करता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बन जाती है, एम माइनस टेन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एम इज़ इक्वल टू टेन। जब आप चेक करते हैं 4 और 10 बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आगे जाके सोचना है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल था, इसकी ज़रूर 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें क्या है, एक्स 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10, इसमें क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, या एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सवाल बेसिकली जो उन्होंने इस एक्सरसाइज के शुरू से पहले एक एग्जांपल दी थी एग्जैक्टली वही है, तो इसको सिंपली सॉल्व करना शुरू करते हैं, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, एक्स 4 हो गया, ये 2x स्क्वायर आ गया, ये 4x 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 4x 3 आएगा, जवाब है प्लस 2x से, तो ये 4x 3 हो गया, और 2x और 2x से किया तो 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10, डबल करके नीचे लेके आए 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 6x स्क्वायर आएगा, तो जनाब ये होगा 3 से, ये 6x स्क्वायर हो गया। 4x को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x, 3 को 3 से किया 9, तो जब साइन चेंज किए ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 को एक्चुअली 0 होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1। लिहाजा आपका जो तीसरा वाला पार्ट था ना कि x की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो है x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब आप पहले 2 का जवाब ढूंढते हैं, ये चीज़ फालतू है ना, लिहाजा इसको मैं माइनस कर दूं इसमें से, माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना, सॉरी फालतू है ना, तो इसको मैं माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, इस चीज़ को निकाल दूंगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, निकालने को क्या कहते हैं, फालतू या, लिहाजा निकालना पड़ेगा, निकालने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिहाजा इस चीज़ को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लिहाजा ये जो सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट था ना उसका आंसर आ गया, ठीक है। आप ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें से माइनस एक्स प्लस 1 ये कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस एक्स माइनस 1, लिहाजा मैं ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक तरह से ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ये जवाब ऐड वाले का आ गया। जवाब चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है जवाब हमारे। इसके साथ ही एक्सरसाइज और ये यूनिट ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज नंबर 5 वो एज़ यूजुअल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद करेंगे उसे। अब हम अगले वीडियो से यूनिट नंबर 6 जो कि कालिब और कालिबों का मुक्ता, अब शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मुक्ता या मुकत्ता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुक्ता मेरा ख्याल बनता है, या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।